नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल द अनबॉक्स क्लिनिक के एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में। आज की जो अनबॉक्सिंग होने वाली है वो कोई टेक अनबॉक्सिंग नहीं है, ये है स्पोर्ट्स शूज की अनबॉक्सिंग जो मैंने लिए हैं मिंत्रा से। बहुत ही ठीक ठाक प्राइस में लिए है, बहुत तो अच्छी डील तो नहीं मिली है लेकिन मुझे जूते बेहद पसंद आए थे, तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों खोल चुका हूं मैं इस पॉलीथीन को और निकालता हूं बॉक्स को बाहर। ये है हमारा आज का प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग के लिए। जूते लिए हैं मैंने सकौनी कंपनी के, जो कि एक यूएसए की कंपनी है स्पोर्ट्स में। जूते निकल के आते हैं बाहर। ये शूज, हाँ तो दोस्तों ये निकल के आते हैं जूते बॉक्स के बाहर। और ये इसके ऊपर लेबलिंग की हुई है, सकौनी फॉर्म टू यू मेमोरी फॉर्म शूज है। और कुछ स्पेसिफिकेशन दिए हुए, अल्ट्रा प्लस मेमोरी फॉर्म इंसोल टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ जानकारी है। निकल के आते हैं शूज बाहर, एक को रखते हैं साइड में, एक पे करते हैं बात। ये है ऊपर से फैब्रिक का बना हुआ है, रबड़ का कोटिंग है, यहाँ की हुआ है ब्रांडिंग, यहाँ लिखा हुआ है लाइट फॉर्म, सोल है। अब अक्सर मैं शूज में सोल के बारे में बात करता हूँ कि सोल में ग्रिप किस तरह की है। ग्रिप दोस्तों इसमें भी है लेकिन सेम व्हाइट कलर का ग्रिप ये दिया हुआ है जो सकौनी ब्रांडिंग की हुई है। ये व्हाइट कलर का ग्रिप है और आगे भी इसमें यहाँ व्हाइट कलर का ये ग्रिप दिया हुआ है। ये है जो ये पार्ट ग्रिप वाला है इसका, जिससे जूता स्लिप ना हो इस तरह से। यहाँ अंदर मेंशन किया हुआ है फॉर्म टू यू मेमोरी फॉर्म टेक्नोलॉजी। इसका सोल है, सोल की क्वालिटी काफ़ी बेटर है, शूज पहनने में बहुत ही कंफर्ट है। अब अक्सर मैं जूतों की मजबूती के बारे में जब बात करता हूँ तो मैं बात करता हूँ फर के बारे में। आपने मेरे पहले की वीडियोज़ अगर देखे हैं तो, और अगर नहीं देखे तो जाके जरूर देखिए। मैंने लास्ट टाइम जूता अनबॉक्स किया था स्केचर्स का, वर्ल्ड का मोस्ट कम्फर्टेबल शूज़ होने का वो दावा करते हैं। उस जूते में मैंने एक कमी बताई थी कि वो जूता बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं रहेगा, उसका फर जल्दी फटेगा। और मेरा एनालिसिस एकदम बढ़िया निकला कि वो जूता बहुत ही जल्दी फटा है। और अभी लगभग उस अनबॉक्सिंग किए हुए मुझे 1 से 1.5 महीना नहीं हुआ होगा और उस जूते का फर फट गया। अब उसका फर क्यों फटा है और इसका फर क्यों ज़्यादा चलेगा इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए ये जूता है, इसकी जिप की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लेस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, फर की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, सोल काफ़ी अच्छा है, आगे और पीछे ग्रिप दी हुई है जो दौड़ लगाने में पिकअप के काम आता है और ये जूते को स्लिप होने से बचाता है। ये वाला ग्रिप ये आप देख पाएंगे, ये यहाँ पीस दिया हुआ है और ये आगे ग्रिप का पीस दिया हुआ है और ये पीयू सोल है जो जूते को कंफर्ट रखता है। हाँ तो दोस्तों मैं जो बात कर रहा था जूते की मजबूती के लिए वो ये है जो मैं सबसे ज़्यादा पसंद आया था। इसके अंदर जो इसका जिप है और उसका अपर है वो नीचे सोल के साथ अटैच है, डेट के साथ में, जो मैंने काफ़ी अच्छे ब्रांडेड जो शूज़ रहते हैं अच्छी कंपनी के उसके साथ में अटैच आता है ये जो जूता है। और कुछ जूतों में ये केवल मीडियल आर्ट्स को सपोर्ट देने के लिए यहाँ से अटैच आता है और इसके अंदर ये पूरा कंप्लीट है, ये फर के साथ में यहाँ तक, यहाँ से पूरा इसके अंदर है। तो अब इसका जो फर है उसके ऊपर लोड नहीं पड़ेगा क्योंकि आधा लोड डिवाइड हो जाएगा इस नेट के ऊपर जो कि काफ़ी फ्लेक्सिबल है और उसको एब्जॉर्ब करेगा इसके शॉक को, और आधा लोड आएगा इसके ऊपर फर के ऊपर। इससे इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और जूते की लाइफ रहेगी काफ़ी अच्छी। ये तो हो गई इसके अंदर की बात। अब बात करते हैं इसके कम्फर्ट के बारे में। कम्फर्ट है इसका मेमोरी फॉर्म का, इसका सोल है। मेमोरी फॉर्म अक्सर बहुत पतले आते हैं लेकिन इस जूते के अंदर काफ़ी मोटी साइज में दिया है, अगर कैमरा जस्टिस कर पाएगा तो हम यहाँ से देख सकते हैं कितना मोटा है यहाँ से। और ये मिडिल आर्ट सपोर्ट को काफ़ी बढ़िया से सपोर्ट करता है। जूते का पोजीशन पोस्चर ऐसा है कि आप आराम से मूव कर सकते हैं। ग्रिप के बारे में हमने बातें कर ली है, इस जूते की लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी। चलिए अब करते हैं इसके बारे में, इसको पहन के देखते हैं जूते के ऊपर पैर के ऊपर कैसा सूट करेगा ये, फिर इसके बारे में बात करेंगे हम आगे की। तो दोस्तों ये हैं जूते, इनको मैंने अभी लगभग 2 दिन पहनने के बाद में आपको मैं इसको आगे की बात कर रहे हैं हम। अब मैंने जूते पैर में पहने हैं थोड़ा बहुत, मैंने वो 2 दिन पहना, एक दिन ऑफिस भी पहन के गया था, एक दिन डेली यूज़ के लिए मैंने ऐसे पहन लिए थे। अब आप देखिए जूते का फिटिंग किस तरह का है, कैसे मेरे पैर पे लग रहे हैं। सामने से देखने पे पता लगता है जूतों की फिटिंग एकदम बढ़िया है। मैं 9 नंबर है मेरा पैर, तो 9 नंबर के मैंने पहने हुए हैं ये, यहाँ से फिटिंग एकदम बढ़िया है। अंदर जो मैंने बताया था मैश, वो हमारे मिडिल आर्ट्स को बहुत अच्छे से सपोर्ट देता है। और बाहर वाला जो फैब्रिक है ये थोड़ा लूज ही रहेगा क्योंकि इस पर लोड नहीं आ रहा है, इसके ऊपर स्ट्रेच नहीं होगा बिल्कुल भी, ये तो इसकी लाइफ को बढ़ाएगा। ये इस तरह का है। अब आप देख लीजिए पैर पे कैसा है, ग्रिप इसमें नीचे दी हुई है जिससे पैर स्लिप ना करे। पीछे से देखने पैसा लगता है, जूते थोड़े गंदे दिख रहे हैं वो इस वजह से क्योंकि मैंने इनको 2 दिन पहना होगा, नीचे सोल गंदा हो रहा होगा। इस तरह के जूते हैं, पैर को अच्छी फिटिंग देते हैं, पैर में बहुत ही कंफर्टेबल है। और 2 दिन जब मैंने बिल्कुल इनको पहना मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि मैंने इन्हें 7 से 8 घंटे पहना है जूतों को, क्योंकि बिल्कुल आप बोल सकते हैं 0 ग्रेविटी शूज़ है, वजन बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही लाइट वेट शूज़ हैं। और वर्ल्ड वाइड बहुत ही जानी मानी कंपनी, तो ज़्यादा सोचने की बात है नहीं शूज़ के बारे में।
आप इनको पहन सकते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल बहुत है शूज, आप लीजिए अगर आपको पसंद आते हैं। मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेड है अगर आप रनिंग शूज हैं, अगर आपको लाइट वेट जूते पसंद है आप इनको बिल्कुल ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रोडक्ट जिसकी हमने की अनबॉक्सिंग। इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, इसके सोल की क्वालिटी के बारे में, सोल की ग्रिप के बारे में, इस प्यू सोल के बारे में, इसके फर के बारे में हम बातें कर चुके हैं, इसके अंदर का जो इनर सोल है उसके बारे में, जीरो फॉर्म का किस तरह का सपोर्ट दिया उसके बारे में बातें कर चुके हैं, इसकी मजबूती के बारे में कि कितने दिन जूता, कितने दिन से मतलब ज्यादा से ज्यादा जूता चलेगा। यह है ईवा फॉर्म लाइट ट्राईफ्लेक्स टेक्नोलॉजी का जूता है जो इसमें यूज की गई है। सकौनी एक बहुत ही जाना पहचाना ब्रांड है, यूएसए का ब्रांड है, लगभग 127 साल पुराना ब्रांड है जो कि रनिंग शूज के अंदर ही डील करता है। इनके रनिंग शूज सबसे बढ़िया आते हैं। इंडिया में रिलायंस इसका इंपोर्टर है, बहुत ज्यादा स्टोर्स पे अवेलेबल नहीं है, या तो ऑनलाइन अवेलेबल है या फिर रिलायंस फुटप्रिंट पे ही अवेलेबल है। आप चाहे तो जूता ले सकते हैं, रनिंग करते हैं, आपको एडियो में दर्द है उसके लिए बहुत ही मजबूत जूता रहेगा, बहुत अच्छा चलेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये जूता पसंद आया है, आपकी इसके बारे में क्या राय है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए। आपको कुछ क्वेश्चन है इसके बारे में तो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए और देखते रहिए मेरे चैनल को। मैं हर हफ्ते इसी प्रकार से नए नए प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग लेके आता रहता हूँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।